Cause trouble. Thank you. तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज ये मेरे डिस्टर्बिंग मूवी सीरीज का तीसरा वीडियो है, जहां पर मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिस मूवी का कुछ सीन आपके लिए इतना सारा डिस्टर्बिंग हो गया कि आप लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाएंगे। मैं पहले ऑलरेडी दो ऐसी मूवीज को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो पहले उन्हें जाकर जरूर देखिएगा। इस मूवी का नाम है डिस्ट्रैक्शन कंट्री, जो कि एज ऑलवेज बहुत ही ब्रूटल होने वाली। तो आप कमजोर दिल के हो तो इस वीडियो को ना देखें, और अगर आपका दिल मजबूत है तो चलिए आइए वीडियो में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है रिसरेक्शन कंट्री नाम के कंट्री साइड विलेज से, जो कि अमेरिका में था। देखने पर ही वो जगह नॉर्मल लग रही थी, लेकिन न्यूज़ के मुताबिक वहाँ पर कई सारे मर्डर्स हुआ करते थे और कई ट्रेवल्स मिसिंग भी हुए थे। साथ ही वहाँ पर एक लोकल शेरिफ कई महीनों से भी मिसिंग था। फिर कहानी एक ट्रेवलर ग्रुप की तरफ आती है, जहाँ पर मेरिड कपल डेविड और केट को देखते हैं और कपल लूसी और टॉम को देखते हैं। लूसी असल में डेविड की बहन थी। चारों रिसरेक्शन कंट्री के एक फॉरेस्ट में कैंपिंग करने के लिए आए थे। वे लोग अपने साथ में उनकी माउंटेन बाइक भी लाए थे। रास्ते में वे लोग गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर टॉम और केट कुछ सामान लेने के लिए गैस स्टेशन के अंदर जाते हैं। वहीं पर जेक नाम का एक लोकल आदमी केट के सामने आता है। केट उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उसका एक स्माइल देकर कार के पास में चली जाती है। कार के अंदर डेविड बाइकियों के साथ में जंगल तक जाने का रास्ता डिसाइड कर रहा था, क्योंकि वो खुद रास्ता भूल गया था। तभी उनके पास में जेक आता है, जो कि उनको वहां पर आने का कारण पूछता है। तब वे लोग जेक से जंगल तक जाने का रास्ता पूछते हैं। वहां तक जाने के लिए जेक उनको एक शॉर्टकट बता देता है। डेविड को ये रास्ता थोड़ा अजीब तो लगता है, क्योंकि जेक जिस रास्ते के बारे में बता रहा था वो रास्ता मैप पर था ही नहीं। फिर भी वे लोग इस बात को इग्नोर करके जेक के बताए गए रास्ते से ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जेक का बिहेवियर थोड़ा अजीब है, क्योंकि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को देखकर जेक थोड़ा सा टेंशन में आ गया था। कार के अंदर भी वे लोग जेक के अजीब बिहेवियर के बारे में बातें कर रहे थे। टॉम तो मजाक में कहता है कि जेक एक सीरियल किलर जैसा दिखता है और क्या पता वो हमारा मर्डर कर दे। इस तरीके से मजाक मस्ती करते करते वे लोग रिसरेक्शन कंट्री तक आ गए थे, और वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल और उनका घर देखकर वे लोग थोड़ा शॉक्ड थे, क्योंकि वहाँ के लोग जरा भी हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते थे। ऊपर से वहाँ पर बहुत सारी अबंडेंट कार भी थी, जो कि वहाँ के लोगों की नहीं लग रही थी। लेकिन ये लोग उन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने मजाक मस्ती में लगे रहते हैं। इसी वजह से डेविड के हाथों दो बच्चों का एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। डेविड उस बच्चे को सॉरी बोलता है, लेकिन उस छोटे बच्चे को वो कुछ बोलता उससे पहले ही वो बच्चा अपने घर पर भाग जाता है। वे लोग उस बच्ची से फॉरेस्ट तक जाने का सही रास्ता पूछते हैं और उन्हें बता भी देता है। हम ये देखते हैं कि आसपास के लोग उन लोगों को बच्ची से बात करते हुए देखकर खुश नहीं थे। ऊपर से उस बच्चे ने अपने पिता को उनकी शिकायत भी कर दी थी, जिसके बाद उसके पिता बिना कपड़ों के ही गन लेकर उन्हें मारने के लिए बाहर आते हैं। लेकिन सही समय पर वे लोग कार लेकर वहां से चले जाते हैं। उन सभी को इतना तो पता चल गया था कि वहां के लोगों का बिहेवियर बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, लेकिन वे लोग तो बस ट्रेवल करने के लिए वहां पर आए थे, तो इसीलिए वे लोग वापस अपने सिटी नहीं जाते हैं, जंगल के रास्ते को ही कंटिन्यू करते हैं। कुछ ही देर के बाद में वे लोग जंगल में अपना कैंप साइट पहुंचते हैं, जहाँ पर डेविड और केट कैंप में रुकते हैं। लेकिन लूसी और टॉम क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। वहां पर लूसी टॉम को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, और इस बात को सुनकर टॉम बहुत ही खुश था। दोनों ये डिसाइड करते हैं कि इस ट्रिप के बाद में दोनों शादी कर लेंगे, और इस बात पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इधर कैट डेविड से उसके सिस्टर लूसी और टॉम के रिश्ते के बारे में बात करती है। डेविड दोनों के रिलेशन को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि टॉम की कोई प्रॉपर जॉब नहीं थी, वो यहाँ वहाँ पार्ट टाइम जॉब किया करता था और उसे कोई खुशी न मिले। ऊपर से उसे ये भी पता था कि लूसी प्रेग्नेंट है, पर वो इस बात का वेट कर रहा था कि कब उसकी सिस्टर खुद उसे बताएगी। तभी वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर डेनी आते हैं और उनको चेक करते हैं कि कहीं वे लोग वहाँ पर कैंपिंग के बहाने कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे हैं। जाने से पहले डेनी उनको सेफ रहने के लिए कहता है, क्योंकि लास्ट मंथ वहाँ पर घूमने आए कुछ टूरिस्ट गायब हो गए थे। अब फॉरेस्ट ऑफिसर डेनी के वहाँ से जाने के बाद में टॉम और लूसी वहाँ पर आते हैं, जो कि अपनी शादी की बात अनाउंस करते हैं। केट तो उनके लिए बहुत ही खुश थी, लेकिन डेविड इस बात से जरा भी खुश नहीं था। वो टॉम को अपनी माउंटेन बाइक रेडी करने को बोलता है, क्योंकि वे लोग उसे ही चलाकर इस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने वाले थे। केट और लूसी भी उनके साथ वो जाना चाहती थी, लेकिन डेविड उन्हें साथ लेकर नहीं जाता है, क्योंकि लूसी प्रेग्नेंट थी। फिर इसके बाद में टॉम और डेविड अपनी बाइक लेकर फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने में लग जाते हैं। कुछ देर के बाद में दोनों एक जगह पर आकर रुकते हैं, और वहां पर डेविड टॉम को एक प्रॉपर जॉब ढूंढने को कहता है, ताकि वो उसके सिस्टर और उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रख सके। लेकिन टॉम के मुताबिक अभी वो जो भी काम करता है वो उससे भी लूसी को खुश रख सकता है। दोनों की इस बात को लेकर थोड़ी कहासुनी भी होती है, और दोनों फिर से अपने बाइक चलाने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर ऐसे घूमने के बाद दोनों कैंप साइट तक जाने का रास्ता भटक जाते हैं, और वो थोड़ी देर इस बाइक को चलाते हैं,
लेकिन शाम होने के बाद भी उन्हें सही रास्ता नहीं मिलता है। तभी उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है जहाँ पर वे लोग हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर रस नाम का एक आदमी गन लेकर घर से बाहर आता है, जो उनसे बहुत ही रूडली बिहेव करता है। रस उन जैसे टूरिस्ट से नफरत करता था क्योंकि वे लोग वहाँ पर आकर लोकल लोगों को डिस्टर्ब करते हैं और जंगल को भी गंदा करते हैं। तभी रस का छोटा भाई रॉबर्ट वहाँ पर आता है, ऊपर से वो उनके ऊपर गन भी पॉइंट करता है। दोनों के हाथों में गन थी इसलिए टॉम और डेविड उनसे अच्छे से बातें करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आता है जहाँ पर डेविड और रॉबर्ट के बीच में मारपीट होने लगती है। तब टॉम उनकी सेफ्टी के लिए उनके पास में रखा वो गन उठा लेता है, जिसे देखकर रस उन्हें वहां से जाने को कहता है। लेकिन रॉबर्ट उस समय डेविड पर गोली चलाने वाला था, लेकिन सही समय पर टॉम रॉबर्ट के गले में गोली मार देता है। अपने भाई रॉबर्ट को ऐसा मरते हुए देखकर रस बहुत ही गुस्सा था और उनके ऊपर गोली चलाने वाला था। तब डेविड रस को एक पंच मार के उसकी गन छीन लेता है। कुछ देर के लिए तो टॉम और डेविड समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनसे क्या गलती हो गई है। तभी अचानक रस अपनी कार से उनकी बाइक को टक्कर मारकर उन्हें तोड़ देता है। ये देखकर टॉम और डेविड वहां से भागते हैं। रस कार से उनका पीछा करता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में उसकी कार एक जगह पर फंस जाती है। तब वो गन को उनके तरफ पॉइंट करके एक दो बार गोलियां भी चलाता है, लेकिन लकीली दोनों गोली से बचकर रस से दूर भाग रहे थे। ऐसी रात हो जाती है और रस अभी भी उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहा था। वो दोनों उससे बचने के लिए यहाँ वहाँ छुप रहे थे। यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर डेनी फिर से उन्हें कैंप में चेक करने के लिए आता है। लूसी और केट से थोड़ी बातें करने के बाद में डेनी वहां से चला जाता है। दोनों लड़के अभी भी नॉर्मल थे और उन्हें पता भी नहीं था कि दोनों लड़के किस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। ऊपर से लड़कों को अभी भी कैंप तक आने का रास्ता नहीं मिला था। यहाँ पर रस अपने कुछ दोस्तों के साथ कैंप में दोनों लड़कियों के पास में आता है। पहले तो उनसे झूठ बोलता है कि टॉम और डेविड का एक्सीडेंट हो गया है और वो उनके घर पर है, लेकिन दूसरे ही पल में वो केट को पकड़कर उसे मारने पीटने लगता है। ये देखकर लूसी वहां से भागती है ताकि वो किसी से हेल्प मांग सके। भागते भागते लूसी फॉरेस्ट ऑफिसर डेनी की कार के सामने आती है और उससे हेल्प मांगती है। तब तक रस का दोस्त कैम भी वहां पर आ चुका था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेनी भी उन लोगों से मिला हुआ है क्योंकि वो वहीं का रहने वाला है और खुद ही लूसी को कैम के हवाले करता है। कुछ देर के बाद में हम कैम्प साइड में रस को उसके कई दोस्त के साथ में देखते हैं, जिन्होंने लूसी और केट को होस्टेज बना लिया था और अब रस बस उन सभी को मारकर अपने भाई रॉबर्ट का बदला लेना चाहता था। केट रस से बहुत ही रिक्वेस्ट करती है कि वो लूसी को न मारे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, और इस बात पर रस को मौका मिल जाता है उनका फायदा उठाने के लिए, जिसके बाद में वो केट को फोर्स करता है कि वो अपने कपड़े उतारे और सबके सामने वो उसका सेक्सुअल अब्यूज भी करता है। फॉरेस्ट ऑफिसर डेनी अपनी ड्यूटी भूलकर ये सब देखकर मजे ले रहा था और कुछ ही देर में वो उनके हेल्प के बिना वहां से चला जाता है। लूसी को बचाने के लिए केट रस की सभी बातें मान रही थी, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि रस केट के मुंह में गोली चला देता है, जिससे कि केट का चेहरा आधा फट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इस भयानक मौत और गोली की आवाज को फॉलो करते हुए टॉम और डेविड कैंप साइड तक आते हैं। लूसी उन्हें वहां पर मिल जाती है, लेकिन केट को वहां पर न देखकर दोनों डर चुके थे। तब रस डेविड को उसकी वाइफ केट की डेड बॉडी दिखाता है, जिसे देखने के बाद में डेविड टूट चुका था। केट का आधा चेहरा और सर का आधा हिस्सा पूरा फट चुका था और उसकी बॉडी खून से लथपथ थी। ऊपर से आखिरी समय पर दोनों के बीच में छोटा सा आर्ग्यूमेंट भी हुआ था, जिसके लिए डेविड खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। केट तो डेविड के साथ में हर समय रहना चाहती थी, लेकिन वही था जो उसे यहाँ पर कैंप में अकेला छोड़ गया। गुस्से में डेविड रस के ऊपर गोली चलाने वाला था, लेकिन उससे पहले रस डेविड के शोल्डर पर गोली मार देता है और अब वो टॉम को भी मारने वाला था, लेकिन सही समय पर डेविड रस को गोली मारकर उसे जान से मार देता है। तब तक पूरी गन भी खाली हो चुकी थी और रस के दोस्त भी वहां से भाग गए थे। तीनों किसी तरह खुद को संभालते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। कुछ और लोगों को लेकर वहां पर आ गए थे। तभी उन्हें वहां पर जैक दिखता है, जिसे उन लोगों ने गैस स्टेशन में देखा था। वे लोग उससे हेल्प मांगते हैं, लेकिन हमें ये पता चलता है कि जैक भी उनके साथ में मिला हुआ है और जैक रस और रॉबर्ट का बड़ा भाई था। ऊपर से अब वही अपने दोनों भाइयों की मौत का बदला उनसे लेने वाला था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर मैट जैक के पेरेंट के घर पर आता है उनके दोनों बेटे की मौत के बारे में पूछने के लिए। उनकी माँ एला अपने दोनों बेटे की मौत से बहुत ही दुखी थी। उनके पिता जेसन अपने दोनों बेटे की मौत को लेकर बदले की आग में जल रहे थे, लेकिन पुलिस को तो अपनी रिपोर्ट देनी थी। तब जेसन उनसे झूठ बोलता है कि उसके बेटों का एक्सीडेंट हुआ है। जेसन जितना हो सके मैट के सामने नॉर्मल बिहेव कर रहा था। मैट को इतना समझ आ चुका था कि रिसरेक्शन कंट्री में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन तब वो जेसन से कुछ नहीं पूछता है और वहां से चला जाता है, क्योंकि कुछ भी पूछने पर वे लोग कभी भी सच नहीं बताने वाले थे। इधर लूसी की जब आंखें खुलती है तो खुद को एक बंद कमरे में पाती है, जो कमरा बहुत ही ज्यादा गंदा था और वहां से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। ऊपर से उसके हाथ में हैंडकफ लगे हुए थे। लूसी बहुत कोशिश करती है यहाँ वहाँ निकलने की, लेकिन कोई रास्ता नहीं था निकलने के लिए। ऊपर से उसे गार्ड करने वाला आदमी भी उसे इग्नोर कर रहा था। दूसरी तरफ हम कईयों डेविड को एक चेन से लटका हुआ पाते हैं। डेविड की हालत बहुत ही खराब थी
और उसके शोल्डर पर गोली लगने की वजह से उसका बहुत सारा खून बह गया था। वहीं पास ही में रस और रॉबर्ट की डेड बॉडी को कॉफिन में रखा गया था, जिसे उनके दोस्त उठाकर वहां से ले जाते हैं। तो वहीं टॉम को भी एक रूम में बांध कर रखा गया था। वो कितनी भी कोशिश कर ले वहां से वो निकल नहीं पाएगा। टॉम बहुत ही चिल्लाता है लेकिन उसके पास में कोई भी नहीं था। यहाँ पर रस का दोस्त कैम लूसी के पास में आता है और बहुत ही ब्रूटली तरीके से उसका रेप करता है। लूसी समझ चुकी थी कि वे लोग उसे मारने वाले नहीं हैं, बल्कि हर रोज कोई ना कोई उसका ऐसा ही फायदा उठाएगा, इसलिए लूसी का वहां से भागना बहुत ही जरूरी था। दूसरी तरफ हम जैक और उसके पिता को जेसन से बातें करते हुए सुनते हैं। जेसन जैक को आज रात ही सभी काम खत्म करने को कहता है। सभी काम का मतलब था उन तीनों को मारकर उनकी बॉडी को गायब करना, क्योंकि पुलिस ऑफिसर मैट को उनके ऊपर शक हो गया था। जैक मैट को भी जान से मारना चाहता था ताकि कहीं पर भी कोई भी एविडेंस नहीं रहे, लेकिन जेसन जैक को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि पिछले पुलिस ऑफिसर को भी उन्होंने मार दिया था और उसको मरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। उसी की जगह मैट की यहाँ पर पोस्टिंग हुई थी और अगर मैट भी इतनी जल्दी मारा गया तो बाहर की अथॉरिटीज को रिसरेक्शन कंट्री के लोगों पर ही शक होगा और फिर उसके बाद बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। मतलब कि मूवी की शुरुआत में हमने जिस मिसिंग पुलिस ऑफिसर के बारे में सुना था उसे रिसरेक्शन कंट्री के लोगों ने ही मारा था, जिसमें जेसन की फैमिली का पूरा हाथ था। अब अपने पिता जेसन की बातें सुनने के बाद में जैक डेविड के पास में आता है। वो उसे बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारता है और उसके जख्मों पर भी बहुत चोट पहुंचाता है। उनके हाथों डेविड की वाइफ की भी मौत हुई थी, लेकिन जैक को बस अपने भाइयों की मौत का ही बदला लेना था और अब वो डेविड के सामने उसकी बहन लूसी को मारने को कहता है। डेविड उसे धमकी देता है कि अगर उसकी बहन को कुछ हुआ तो वहाँ के सभी लोगों को मार देगा, लेकिन जैक डेविड की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जैक के वहाँ से जाने के बाद डेविड बहुत कोशिश करके अपने हाथों को चेन से छुड़ाता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसके हाथ बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं और बहुत खून निकलने लगता है। पर वो वहाँ से भाग पाता उससे पहले ही डेविड वहाँ पर आकर गन से उसके सर पर वार करता है और उसी गन से डेविड को बुरी तरीके से मारता पीटता है, जिससे कि डेविड का सर बहुत ही ब्रूटल तरीके से फट जाता है और बहुत ब्लड लॉस होने की वजह से डेविड की वहीं पर मौत हो जाती है। देखा जाए तो टॉम की बात सच हुई कि जैक किसी सीरियल किलर की तरह दिखाई देता है, क्या पता वो उन्हें मार दे। उस समय जो बात वे लोग मजाक में कर रहे थे अब जाकर वे बात सच हो रही थी। तो वहीं एली लूसी को खाना खिलाने आती है, लेकिन लूसी उसके मुंह पर खाना थूक देती है। तब एली उन्हें बताती है कि उन लोगों ने उनके दो बेटों को मार दिया है, तो वे लोग उनसे दया की उम्मीद न करें। एली के जाने के बाद में लूसी बहुत कोशिश करती है अपने हाथ पर बंधा हुआ चेन खोलने के लिए, लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकाम रहती है। यहाँ पर जैक अपने कुछ दोस्तों के साथ में टॉम के पास में आता है और उसको धमकी देता है कि उसने बहुत ही स्पेशल सजा टॉम के लिए सोच रखी है। फिर वे सभी टॉम की हालत पर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। उसी रात को जेसन रिसरेक्शन कंट्री के लोगों के साथ में एक मीटिंग करता है, जहाँ पर उन सभी को अपने बेटों की मौत के लिए भड़का रहा था कि बाहर के लोग आकर रिसरेक्शन कंट्री के लोगों को मार रहे हैं, उनका माहौल खराब कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें भी मारकर उन लोगों को सजा देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये लोग इस बात को इग्नोर कर रहे थे कि सबसे बड़ी गलती उनके लोगों से हुई थी। अगर रस शांति से टॉम और डेविड से बात करता और उनकी हेल्प करता और अगर रॉबर्ट उनके ऊपर गोली चलाने की कोशिश न करता तो आज ये सब नहीं होता, वो दोनों तरफ इतने लोग नहीं मरते। लेकिन सभी लोग यहाँ पर बदले की आग में आधे अंधे हो चुके थे, वो बस जेसन की बातों को फॉलो कर रहे थे। और जब वे लोग रस और रॉबर्ट के कॉफिन के फ्यूनरल के लिए ले जा रहे थे तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर मेट आते हैं, जो कि बस एक बार केस के लिए उनके डेड बॉडी को चेक करना चाहते थे, लेकिन कोई भी उन्हें कॉफिन को हाथ लगाने नहीं देता है। जब मेट ज्यादा जिद कर रहा था तब जेसन उन सभी को मेट को मारने का ऑर्डर दे देता है। वहां से सभी लोग मेट को जंगल के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर वेस्ट चीजों को जलाया जा रहा था और वहां पर पुलिस ऑफिसर मेट की बॉडी पर पेट्रोल डालकर उन्हें चेयर के साथ में उठाकर आग में फेंक दिया जाता है, जिसके बाद में पुलिस ऑफिसर मेट आग में जिंदा जलकर तड़प तड़प कर मारा जाता है। और कुछ ही देर के अंदर हमें उसकी हड्डियां भी नजर आने लगी थी, मतलब कि रिसरेक्शन कंट्री के लोगों को सबूत मिटाना बहुत ही अच्छी तरीके से आता था। दूसरी तरफ लूसी एक आयरन पाइप को तोड़कर अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास में रखती है। फिर कुछ देर के बाद में कैम जब वहां पर आता है तो लूसी उसे ट्रिक करके अपने पास में बुलाती है और मौका देखकर उसी आयरन पाइप से उसके सर पर बार बार वार करके उसे बेहोश कर देती है। कैम के सर से बहुत ही खून निकल रहा था पर वो अभी भी जिंदा था। फिर वो कैम के पॉकेट से उसके हैंडकफ की चाबी लेकर अपना हैंडकफ खोलती है और कैम को होश आए उससे पहले वो चेन से कैम का गला घोटकर उसे जान से मार डालती है। फिर लूसी कैम की गन लेकर वहां से बाहर निकलती है और टॉम को ढूंढने लगती है। इधर जैक अपने कुछ दोस्तों के सामने टॉम को एक दूसरे रूम में लाता है और वहां पर वो टॉम को एक लकड़ी पर उल्टा लटका देता है और उसके हाथों को उसी लकड़ी में खील से ठोक कर जोड़ देता है। टॉम दर्द के मारे चिल्ला रहा था। फिर अब जैक एक आयरन रॉड को आग में गर्म करता है, जिससे टॉम के एनल से उसकी बॉडी के अंदर घुसाने वाला था। डर के मारे टॉम जैक से रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे।
पर जैक टॉम को इतनी आसानी से नहीं मारने वाला था। टॉम को तड़पाने के लिए वो अपने एक दोस्त डैन को उसका रेप करने को कहकर वहाँ से चला जाता है। अब डैन जब टॉम को टच करता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। डैन उसका रेप करने वाला था कि तभी वहाँ पर लूसी आती है जो कि डैन को गोली मारकर उसकी जान ले लेती है। फिर इसके बाद लूसी टॉम के हाथों से उन कीलों को निकालती है और ऐसा करते हुए टॉम को बहुत ही दर्द होता है। उसके दोनों हाथों में बड़े बड़े छेद हो चुके थे और वहाँ से बहुत ही खून भी निकल रहा था। किसी तरीके से दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तब तक जैक को पता चल चुका था कि डैन को मारकर वो दोनों भाग चुके हैं। जैक उनका पीछा करता है और उससे बचने के लिए दोनों एक घर में आकर छुप जाते हैं। उस घर में उन्हें बहुत सारी गन मिलती है पर सभी गन अलमारी में लॉक थी और उसकी चाबी भी उन्हें नहीं मिलती है। वहीं पर उन्हें एक माउंटेन बाइक मिलती है जिसे देखकर दोनों बहुत ही खुश होते हैं और वे सोचते हैं कि अब दोनों वहां से बचकर निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें उस बाइक की चाबी भी नहीं मिलती है। दोनों चाबियों को ढूंढ रहे थे तभी वहां पर जैक आता है और एक एरो को लूसी के सर में घुसा देता है जिससे कि लूसी की वहीं पर मौत हो जाती है। एक पल के लिए टॉम शॉक्ड था, वो समझ नहीं पा रहा था कि एक ही झटके में उसकी गर्लफ्रेंड लूसी और उसका होने वाला बच्चा मारा जा चुका है। गुस्से में टॉम जैक को मारने जाता है लेकिन जैक उल्टा उसे ही बुरी तरीके से मारता पीटता है। जैक टॉम को जान से मारने वाला था लेकिन सही समय पर टॉम के हाथों में एक पत्थर लग जाता है और टॉम उसी पत्थर से जैक के सर पर बार बार वार करके उसकी जान ले लेता है जिससे कि जैक का सर पूरी तरीके से फट चुका था और हर तरफ बस खून खून बह रहा था। अब टॉम आखिरी बार लूसी को देखता है और वहां से भागने लगता है। तब तक रिसरेक्शन कंट्री के बाकी लोग टॉम को मारने के लिए उसे ढूंढ रहे थे। टॉम किसी तरह खुद को उनसे छुपा कर रखता है और सुबह होने तक वो हाईवे पर आ जाता है। हाईवे पर उसकी हेल्प करने के लिए एक बूढ़ा आदमी अपनी कार उसके पास में रोकता है और उसे अपनी कार में बैठाता है। इस मोमेंट तक आते आते टॉम में जरा भी जान नहीं बचती है लेकिन वो इस बात से खुश था कि वो जिंदा बच जाएगा। पर यहाँ पर हम उस बूढ़े आदमी को उल्टा रिसरेक्शन कंट्री की तरफ जाते हुए देखते हैं। वो जब रिसरेक्शन कंट्री पहुंच जाता है तो टॉम पर गोली चलाकर उसे जान से मार डालता है। मतलब कि बूढ़ा आदमी रिसरेक्शन कंट्री का ही रहने वाला था और वो भी वहाँ के लोगों की ही तरह क्रिमिनल था। इतनी कोशिशों के बाद भी आखिर में कोई भी जिंदा नहीं बचा। फिर कुछ दिन के बाद में कुछ और टूरिस्ट रिसरेक्शन कंट्री में घूमने के लिए आते हैं और फॉरेस्ट ऑफिसर डैनी उन्हें संभाल कर रहने को कहता है। लेकिन अब हमें पता है कि इन लोगों के साथ में वही होगा जो कि बाकी लोगों के साथ में हुआ है, क्योंकि रिसरेक्शन कंट्री के लोग बिना बात के लोगों को मारते रहते थे, भले ही पुलिस हो या फिर नॉर्मल इंसान। और इसी एंडिंग के साथ में ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे इस डिस्टर्बिंग मूवी की सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे लिए बस एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। तो अब आपसे मिलूंगा एक और डिस्टर्बिंग मूवीज के साथ में।